टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा कानपुर बनारस बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबीस सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे फिर टीचमेंट इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग नोट अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं बाकी सब टीचमेंट कर लेता है और ये मैं हूं अभी अभी शुरू किया है पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश प्रकाशेक में गाइज यार यूनिवर्सिटी एग्जाम और प्रमोशन को लेकर इस वक्त की बड़ी गुड न्यूज मैं आपको बता दूं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ गाइज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट और प्रमोट करने का आदेश हुआ जारी फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट जी हाँ गाइज तीन सदस्यीय कमेटी ने दिया अपना फाइनल डिसीजन तो तीन सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो शासन को भेज दिया गया है और उस डिसीजन में से साफ गोपनीय बातें यह हैं कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को पिछले साल की तरह इस बार भी प्रमोट कर दिया जाएगा फाइनल ईयर का सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा जी हां सारी चीजों को कवर करूंगा आपको दो चार आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सोचो समझो मत और बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया जाए इससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ्री एग्जाम को लेकर वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बेहद आसानी से मालूम चल जाएगा तो चलेगा इस वीडियो

महात्मा ज्योतिबाबाई फुले यूनिवर्सिटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप स्किप नहीं कर सकते चीज़ों को ध्यान से सुनिए समझिए अगला जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वो फीस को लेकर है जी हाई फीस में रियायत बढ़ती जाएगी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस चीज़ को भी बताऊँगा ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में शासन के आदेश पर एम जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के सिंह ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जी हाँ का आपको मैं बता दूं कि उससे संबंध सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन कक्षाओं के साथ कर्मचारियों और शिक्षण संस्थानों को अपने कॉलेज में बुलाने का आदेश दें साथ ही वो एकदम गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें तो यहाँ का से आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर छात्रों की पढ़ाई शुरू हो सकेगी क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि स्नातक व परा स्नातक के जी का इस अपडेट आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्नातक व परा स्नातक के सभी छात्रों के लिए यहाँ पे इस वक्त की अपडेट आप देख सकते हैं कि भाई छात्रों की परीक्षाओं के चलते उनका पाठ्यक्रम लगभग पूरा कर दिया गया था जिस छात्रों को पाठ्यक्रम को लेकर कोई सामंजस्य है वो शिक्षक से फोन पर संपर्क कर सकते है। कर हैं विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर यहाँ पे देखिए अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि भाई पचास से अधिक आप छात्र को नहीं बुला सकते शिक्षक को छात्रों की फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विद्यालयों में आज से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई जी हाँ गाइज इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई इंपॉर्टेंट ये है कि विश्वविद्यालय में पचास फीसदी अंक वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके संग मतलब काम शुरू कर दिया जाएगा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शासन के नए दिशा निर्देश के बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने भी तैयारी शुरू कर दी है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय में 31 मई तक अवकाश घोषित किया गया है मगर अब नए निर्देश के बाद इसके अनुरूप व्यवस्था की जा रही है विश्वविद्यालयों को भी पचास फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की रूपरेखा बनाई गई है हालांकि इसे लागू करने पर अभी निर्णय नहीं हुआ है टीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह का कहना है कि देखिए दोनों कॉलेज जो हैं यूनिवर्सिटी वो बड़े कॉलेज हैं, एक महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय है जो कि जौनपुर में स्थित है और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि वह तिथि से ऑनलाइन पठन पाठन को सुनिश्चित करें भाई बीस तारीख से और मैंने आपको बता दिया कि वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा आई बटन मैंने लिंक को मेंशन कर दिया वहाँ से जाओ उस वीडियो को देख लो जिसमें मैंने बताया कि भाई जो फाइनल कमेटी ने रिपोर्ट था वो भेज दिया है और रिपोर्ट में क्या कहा है उन्होंने उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा बाकी के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका प्रमोशन है उनका उनका एग्ज़ाम होगा और ये अब शासन आदेश जल्द ही देगी हफ्ते दस दिन के अंदर देखिए क्या कुछ होगा उस चीज़ को भी आपको जरूर। तो देखिए जिन भी छात्रों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि को भी करके और यार आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके जो भी सवाल चाहे पूछ सकते हैं वहां से आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी कर दिया है तो चलिएगा